सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल जी। करमे दा पूरा नाम करमजीत सिंह सी, नवीं सोच दा ते ख्यालां दा मालिक सी। 1975 दे विच उस दे प्यो ने उस नूं पढ़ाई लिखाई लई 12वीं जमात तों बाद शहर कॉलेज विच ला दित्ता। यारां दोस्तां च उठना बैठना ते किताबां दे ज्ञान ने उस दे ख्यालां नूं पूरी तरह आजाद कर दित्ता सी। ते उस ने अपने पिता नाल गल कर कि अपनी छोटी भैन दा दाखला भी शहर कॉलेज विच करवा लिया। उस दा पिता सरदार केवल सिंह बहुत खुश होया कि उस दे लड़के ने अपनी भैन दी पढ़ाई नूं भी तवज्जो दित्ती है, जो उस वांगू ही पढ़ाई करके अपनी एक वक्री पहचान बनाएगी। शहर करमे नूं अपनी भैन दा किसी होर नूं मुंडे नूं बुलाउणा बिल्कुल भी गलत नहीं लगता सी, क्योंकि उस नूं लगता सी कि जे कुड़ियां नूं मौका दिता जावे तां इह सिक्ख्या दे खेतर ते होर खेतरां विच वी अपनी एक वक्री पहचान बना सकदियां ने। समा लंघिया, करमे दी भैन ने एम ए कर लई ते सरकारी स्कूल विच नौकरी भी करन लग पई। सारे रिश्तेदार हुण उस दे प्यो ते वीर दियां सिफतां करदे नहीं थक रहे सी, जो इन्हां दोवां दे खिलाफ सी कि उन्हां ने कुड़ी नूं अगे पढ़न क्यों लाया। शहर च जा के कुड़ियां विगड़न लग जांदियां ने, कई तां रिश्ते भी लै लै के आउंदे सी। हुण जदों कुड़ी दे विआह दी गल होई तां कुड़ी ने अपनी मर्जी दे दिल दी गल करमे अगे रख दित्ती कि कॉलेज विच ही उस नूं इक मुंडा पसंद आ गया सी, ओह वी हुण उस दे वांगू ही इक सरकारी कॉलेज विच टीचर है। पर उस दी जात साडी जात नालों बहुत नीवी है, पर मुंडा बहुत चंगा है, ओह जात दा नाई है ते आपां जट हाँ। करमा उस मुंडे नूं मिलिया, सच्ची ओह मुंडा बहुत चंगा सी ते उस नूं किसे भी तरह दा कोई वैल भी नहीं सी, पर केवल सिंह जट बंदा सी। इह सब उस दे असूलां दे खिलाफ सी ते इस तरह उस दे शरीके विच वी की इज्जत रह जानी सी। एक लंबे कलेश तों बाद आखिरकार करमे ने अपनी भैन दा विआह उस नाल कर दिता। केवल सिंह इस विआह विच बस कुछ क रस्मां करके ही शामिल होया। सारी उम्र ही केवल सिंह उस मुंडे नूं कदे अपने जवाई दे रूप विच अपना नहीं सकिया ते अक्सर ही उस नूं उस दी नाई जात दा मेणा मार ही देंदा सी। समां लंघिया, करमा इक कुड़ी दा प्यो बन गया। रब ने उस नूं इक ही बच्चे दे सुख नाल नवाजिया सी। उस ने सोच लिया सी ओह अपनी कुड़ी नूं पढ़ाई करवाए ते उस दा विआह भी उस लड़के नाल ही कर देवेगा जिथे ओह कहूगी। ओह नहीं चाहुंदा सी उस दी कुड़ी भी उस दी भैण वांगू प्यो दे प्यार तो वांझी हो जावे ते घिणा दी नज़र नाल उस नूं भी देखिया जावे। करमे ने अपनी कुड़ी किरण नूं हर सुख दिता, इत्थों तक कि उस दी विदेश जाण दी इच्छा नूं भी पूरा कीता। विदेश विच्चों 3 साल दी पढ़ाई पूरी करके किरण वापस अपने घर आई तां उस दे नाल इक मुंडा सी। करमे नूं लग्गिया कि इह मुंडा शायद उहनां दी कुड़ी ने अपने लई पसंद करिया है। ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਲ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਰੰਗ ਦਾ ਗੋਰਾ ਸੀ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਰਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਰਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਰਮਾ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਗੁਨ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਰਨ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ? ਕਰਮਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ। ਕਿਰਨ ਉਹ ਡੈਡ ਟਿਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਾ ਇਹ ਕੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਿਰਨ ਦਰਅਸਲ ਟਿਮ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
उस दी सोच काफ़ी चंगी है ते अग्गे भी पढ़ाई करनी चाहुंदा है। करमा, फिर सब ठीक ता है, असी सारे ता एह ही समझ रहे हाँ कि तू उसनू अपने लिए जीवन साथी दे तौर ते चुनिया है। किरण, नहीं डैड, मैं ते टीम दरअसल लिव इन रिलेशनशिप विच रहना है ते जे एक साल जां हद दो साल विच असी एक दूजे नाल चंगी तरह रह गए ते एक दूजे समझ गए कि असी बाकी दी जिंदगी भी अगे रह सकते हाँ तो फिर असी व्याह करा लवांगे। करमा, मतलब कि व्याह तो बिना ही व्याह होया वांगू रहना है तुसी? किरण, ओ यस डैड, ते अज कल यह ट्रेंड है। करमा, माफ़ करना पुत्र जी, आह इन्नी आज़ादी इस लई नहीं दित्ती गई कि तुसी इस तरह दे घटिया फैसले करो। एक अनजाण मुंडे नू घर आउण दी आग्या दित्ती क्योंकि मैनू लग्या कि तुसी इस नाल व्याह करवाउणा है, पर तुसी तां व्याह तो पहला ही व्याह वालियां सारियां हद्दां ही टप रहे हो। किरण, ओ डैड, सरकार ने भी इस सब नू मानता दे दित्ती है। करमा, पर मेरे असूल ते सभ्याचार इस गल दी मैनू इजाजत नहीं दे रहे कि मैं इस सभ्याचार नू अपने संस्कारां विच शामिल करके अपने आप नू ही शीशे विच देखण योग ना रहा। किरण, ओ डैड, बस करो यह फजूल दियां गल्लां नू। करमा, व्याह करवाउणा है तां ठीक है, ओ आ गलत फैसले विच मैं तेरे नाल नहीं हाँ। किरण, यह कोई भी गलत फैसला नहीं है। करमा, यह गलत है इस करके नहीं जम्मिया सी ते ना ही इस लई इन्नी पढ़ाई करवाई सी कि तू अपने लई गलत फैसले करें ते जिंदगी खराब करके अपनी। किरण, मैं थोड़ी कहा सी तुसी जन्म देवो मैनू, तुसी अपनी मर्जी नाल जन्म दिता मैनू ते इन्नी आजादी देनी ये भी तुहाडी मर्जी सी, मेरी नहीं। मेरी मर्जी जो है मैं ओह करना, तुसी ओह करया जो तुहाडी मर्जी सी। करमा, बस पुत हुण आ ही सुनना रह गया सी। एक लंबी बहस तो बाद किरण टीम नू लै के वापिस विदेश चली जांदी है। कमरे विच बैठा करम सिंह अज अपने प्यो नू याद कर रहा सी। उस नू ओ समा याद आ रहा सी जदों अपने प्यो दे खिलाफ जा के उसने अपनी भैन दा व्याह उस दे पसंद दे मुंडे नाल कीता सी, पर ओदी भैन ने उदों तक कोई कदम नहीं चुकिया सी जदों तक अपने मन नाल हाँ नहीं करी सी। पर सारी उम्र लई उस दा ते उस दे प्यो दा रिश्ता इसे गल्लों कौड़ा जिहा रहा। करमा सोचदे होए अज मैं भी अपने प्यो दी थां ते हाँ, मैं आजादी दे के भी हार गया हाँ, उदों जात पात दा रौला सी, मैं इस सब तो उपर उठिया ते अपनी कुड़ी नू जीवन साथी चुनन दी आजादी दे दित्ती, पर हुण आ लिव इन रिलेशनशिप ने मेरी सोच नू मेरे प्यो दी सोच नाल जा मिलाया है। ओ अज हार के भी जित गया ते मैं जित के भी हार गया। कुड़ी दे बोलां ने मैं थोड़ी कहा सी तुसी जन्म देवो मैनू, तुसी अपनी मर्जी नाल जन्म दिता मैनू ते इन्नी आजादी देनी भी तुहाडी ही मर्जी सी। उस दे गुरूर नू तोड़ दिता सी जिस करके ओह अपने आप नू इक लम्मी उदासी वाल लै जांदा है। समाप्त। जेकर तुसी साडे चैनल ते नवे हो तां साडे चैनल नू जल्दी नाल सबसक्राइब कर लो अते बैल आइकन दे बटन नू दबा के आल ते सैट कर लो तां कि साडियां कहानियां तुहानू सुनन लई जल्दी तो जल्दी मिलन। साडे चैनल नू सबसक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करो। तुहाडा धन्नवाद।